गाइस, मैं पावनी मिश्रा जनरल क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ 20 इम्पॉर्टेंट एडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें से ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हुए हैं। और गाइस, वीडियो 2 या 3 मिनट का होता है, अगर आप इसको देखेंगे तो आई एम श्योर ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और गाइस, अगर आपको ये हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टार्ट करते हैं। मेक गुड एंड लॉस, इसका मतलब होता है कंपनसेट करना, मतलब क्षतिपूर्ति करना, किसी की भी क्षतिपूर्ति करना, ज़रूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन इन अ स्ट्रीट, मतलब एन ऑर्डिनरी पर्सन, मतलब एक आम आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, अ माइलस्टोन, इसका मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस द बोट, इसका मतलब होता है टू लॉस एंड अपॉर्चुनिटी, किसी अपॉर्चुनिटी को खो देना। नेक्स्ट देखते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है अ वीक मैन, मतलब एक कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग इम्पॉर्टेंट, टू कॉज समथिंग अनइम्पॉर्टेंट टू इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी उसको ज़्यादा शो करना, मतलब राय का पहाड़ बनाना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब होता है अ स्कॉलर, एक विद्वान इंसान, या अ लिटरेरी पर्सन, एक विद्वान इंसान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू मीट वंस एक्सपेंसेस विद डिफ़िकल्टी, मतलब जो जीवन यापन होता है रोज का, वो भी बहुत ही डिफ़िकल्टी में गुजारा करना। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर हेड एंड ईयर्स, इसका मतलब होता है डीपली इमर्स्ड। नेक्स्ट देखते हैं, निप द ईवल इन द बर्ड, मतलब स्टॉप समथिंग डेंजरस इन इट्स अर्ली स्टेज, मतलब कोई भी खतरनाक चीज़ उसके पैदा होने से पहले ही उसको मार देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एन ओल्ड हैंड, मतलब एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, मतलब एक तजुर्बेदार आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, ओल्ड हैड ऑन यंग शोल्डर, इसका मतलब अ पर्सन यंग इन एज बट वेरी वाइज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही छोटा है अपनी एज में, बट बहुत ही ज़्यादा वाइज है, बुद्धिमान है। नेक्स्ट देखते हैं, आउट एंड आउट, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका मतलब होता है गाइज इम्पॉसिबल। और इसका जो नेक्स्ट है आउट ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब होता है पॉसिबल। सो गाइज, ये दोनों बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं और एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वेरी रेयरली। नेक्स्ट देखते हैं, ऑफ एंड ऑन, मतलब इरेगुलरली, मतलब वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वो वेरी रेयरली, मतलब बहुत ही कम, कभी कभार। ओके, और ऑफ एंड ऑन का मतलब इरेगुलरली, मतलब जो लगातार ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, टू पे थ्रू योर नोज, मतलब टू पे अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये है आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब इन अ बैड टेम्पर, मतलब फीलिंग अनवेल, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होना, या मतलब गंदा फील करना, या अच्छा फील ना करना। नेक्स्ट देखते हैं, और हमारी लास्ट मीनिंग, पिक होल्स, मतलब फाइंड फॉल्ट्स, गलतियाँ निकालना। सो गाइज, हम हर लोग हर रोज़ 20 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हैं, और जब ये हमारे 200 कंप्लीट हो जाएंगे तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।